रासायनिक बल गतिकी में हम लोग पिछले क्लास में देखे थे अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक, यहाँ तक कि हम लोग लास्ट क्लास में देखे हैं। अभिक्रिया की दर को प्रभावित करने वाले कारक में देखे होंगे, पहला है अभिकारक की सांद्रता देखे होंगे, दूसरा ताप देखे होंगे, तीसरा हम लोग देखे थे अभिकारकों की प्रकृति, जिसमें हम लोग भौतिक और रासायनिक वाला देखे थे, और फिर इसके बाद उत्प्रेरक देखे थे, एक हम दाब वाला देखे थे। ठीक है, नेक्स्ट इसके आगे हम लोगों को देखना है द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम। क्रिया का नियम, द्रव्य अनुपाती क्रिया का जो नियम है उसको दो साइंटिस्ट ने मिलकर दिया है, एक है गुलबर्ग और दूसरा है वागे। ये जो नियम है वो एक्चुअल में क्या करती हैं, जो अभिक्रिया की दर है और अभिकारक की सांद्रता है, इन दोनों के बीच क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। ठीक है, तो पहले हम लोग यही पॉइंट लिख रहे हैं, यह नियम गुलबर्ग एवं वागे ने 1867 में दिया, जो अभिक्रिया की दर दर के लिए हम लोग और वर्ड यूज क्या करते हैं, वेग, तथा अभिकारक की सांद्रता में संबंध स्थापित करता है। ठीक है, अब इसको उन्होंने अलग अलग तरीके से डिफाइन किया, जैसे मान के चलते हैं, मैं रिएक्शन के बेसिस पर बता रहा हूं, यदि कोई रिएक्शन इस तरह से है कि ए जो है अभिकारक है और ये किस में चेंज हो जा रहा है, उत्पाद में, प्रोडक्ट में चेंज हो जा रहा है। ठीक है, प्रोडक्ट का मैं पी लिख रहा हूं, रिएक्टेंट का ये आर हो गया। ठीक है, तो अगर मैं मान के चल रहा हूं ए जो है एक अभिकारक है जो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, उत्पाद में, अब अगर इस अभिक्रिया में मुझे क्या करना है, अभिक्रिया की दर और इसके अभिकारक की सांद्रता की अगर मैं बात करूं, तो द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम ये बोलता है कि अभिक्रिया की जो दर होगा अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होगा। ठीक है, मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार अभिक्रिया की दर अभिकारक की सांद्रता के समानुपाती होता है। अर्थात अगर मैं इसको फार्मूला के बेस में लिखना चाहूं तो स्मॉल r प्रोपोर्शनल टू a, ऐसा लिख सकता हूं, एक्टिव मास ऑफ a, बड़ा कोष्टक जो रहता है वो एक्चुअल में सांद्रता को प्रदर्शित करता है, मैं पहले भी बता चुका हूं, मतलब, और r जो है अभिक्रिया की दर होता है, कल हम लोग देख चुके हैं, तो r जो है वो क्या होता है, इस a के समानुपाती होगा। अब अगर जब मैं इस समानुपाती को हटाऊंगा तो यहां पर मैं क्या करता हूं, एक स्थिरांक यूज करूंगा जो है के, और ये फिर हो जाएगा कौन सा, ए हो जाएगा। तो ये जो फार्मूला है ये द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम को प्रदर्शित करता है। ठीक है, मतलब अभिकारक जो अभिकारक की सांद्रता और अभिक्रिया की दर एक दूसरे के क्या होता है, समानुपाती होता है। अब यहां पर हम लोग के जो लिख रहे हैं, जहां के जो है इसको हम लोग बोलते हैं वेग स्थिरांक, ठीक है, या फिर इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक भी बोलते हैं। क्लियर है, क्या बोलते हैं, दर स्थिरांक। ये है एक सिंपल टाइप के रिएक्शन के लिए। अगर रिएक्शन में मान के चलते हैं यहां पर एक अभिकारक के जगह क्या होता, दो अभिकारक होता,
तो इसको हम थोड़ा सा चेंज करेंगे। अगर यहाँ अभिकारक एक की जगह दो रहेगा, ए प्लस बी ऐसा टाइप करेगा, तो हम क्या बोलेंगे, अभिकारक की दर अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होता है। ये नियम थोड़ा सा चेंज हो जाएगा, ठीक है। यदि अभिक्रिया इस प्रकार हो, ठीक है, इस प्रकार हो, जैसे मैं बोल रहा हूं ए प्लस बी है और ये किस में चेंज हो जा रहा है, उत्पाद या प्रोडक्ट बना रहा है, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम से अगर मैं परिभाषा लिखूं, तो यहां पर क्या होगा, अभिक्रिया की दर जो होगा अभिकारकों, अब दो हो गया तो कारकों लिखेंगे, अभिकारकों की सांद्रता के गुणनफल के समानुपाती होगा। मतलब दोनों को हम ब्रैकेट में लेंगे और इनटू करेंगे, मतलब गुणा लिखेंगे, ठीक है। मतलब देखो मैं बता रहा हूं, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियमानुसार यहां पर लिखेंगे अभिक्रिया की दर अभिकारकों की सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, समानुपाती होता है। मतलब समझ में आ गया, जब एक था तो मैं एक का लिखा, अब दो है यहां पर तो हम क्या करेंगे, दोनों का लिखेंगे। देखिए कैसे दोनों का लिखेंगे, यहां पर R अभिक्रिया की दर है, इधर पहले देखो बाद में लिख लेना, प्रोपोर्शनल होगा किसके, A और B के। अब यहां पर कुछ नहीं है, मतलब ये क्या है, इनटू है, गुणा है, है ना। तो अब ये फार्मूला ऐसा हो जाएगा, एक था तो केवल एक को लिखा, दो है तो दो लिखें, तीन रहेगा तो यहां पर तीसरा सी भी आ जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से फिर से प्रोपोर्शनल हटाएंगे तो क्या हो जाएगा, आर इज इक्वल टू के इंटू ए और बी हो जाएगा। तो ये फार्मूला अगर दो अभिकारक है तो ऐसा हो जाएगा, ठीक है। अब अगर इसी अभिक्रिया में मान के चलते हैं, यहां पर क्या दिया हुआ है हमको, जो अभिकारक है इसके नंबर ऑफ मोल्स, मतलब उसकी संख्या दिया हुआ है, जैसे हम लोग लिखते हैं ना 3H2, H2 के सामने 3 लिखते हैं, मतलब तीन हाइड्रोजन है, उसकी मोल कितनी हुई, 3। तो ऐसे ही अगर इसमें रिएक्शन में मोल दिए होंगे तो मोल को हम क्या करते हैं, इन सांद्रताओं के घात के रूप में वर्णन करेंगे, ठीक है। तो देखिए अगर रिएक्शन जो है, अभिक्रिया जो है इस तरह से रहा, ठीक है, यदि अभिक्रिया कैसा है, एन ए प्लस क्या हो गया, एम बी हो गया, ठीक, पहले एम लिखते हैं, सॉरी एम, और ये हो गया एन, ठीक, एम ए प्लस एन बी हो गया, और यहां पर क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। तब इस रिएक्शन के लिए अगर हम क्या करेंगे, द्रव्य अनुपाती क्रिया के नियम लेंगे, तो अभिक्रिया की दर आर जो रहेगा ये प्रोपोर्शनल होगा किसके, पहले तो हम लोग ए लिखेंगे और फिर हम लोग लिखेंगे बी। यहां पर ए के सामने जो रहेगा वो क्या होगा, ए के घात में आएगा, और बी के सामने जो रहेगा वो कहां पर आएगा, बी के घात में आएगा, क्लियर है। तो यहां पर जो फार्मूला होगा द्रव्य अनुपाती क्रिया का वो इस तरह से होगा। फिर से अगर मैं क्या करूं, इसको हटाया तो कैसा हो जाएगा, के ए की घात क्या हो जाएगा, एम, और बी की घात क्या हो जाएगा, एन। ये जो है इसका कंप्लीट फार्मूला है, किसका, द्रव्य अनुपाती क्रिया के, जिसमें क्या है, अगर नंबर आप मोल दिए रहेंगे तब हम यूज करेंगे, अर्थात किसी रासायनिक अभिक्रिया की दर अभिकारकों के सांद्रताओं के गुणनफल के समानुपाती होता है, जिसमें उनके घात वर्णित होता है, ठीक है, वर्णित होता है या लिखा होता है, भी लिख सकते हैं, वर्णित
होता है, ठीक। जो भी उसके घात हैं या हम बोल सकते हैं नंबर ऑफ मोल्स है, वो वहां पर क्या होगा, वर्णित होगा, ठीक है। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं जो हम लास्ट में इक्वेशन देखे हैं, यदि उसमें अभिकारक की जो मोल होंगे दोनों ही ए और बी दोनों के मोल अगर क्या है, एक है, ठीक है। यदि ए तथा बी दोनों एक मोल पर लीटर हो, तब हमारा इक्वेशन जो रहेगा ये ऐसा बनेगा, क्या, R इज इक्वल टू के हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारा फार्मूला ऐसा था। अब मैं इन दोनों में क्या कर रहा हूं, वन वन लिख रहा हूं, तो के इंटू वन और इंटू वन हो जाएगा, मतलब क्या आएगा, फाइनल वैल्यू यही आएगा, R इज इक्वल टू के। मतलब अगर हम बात कर रहे हैं इकाई मोल की अभिकारक अगर यहां पर क्या रहे उपस्थित है, तो अभिक्रिया की जो दर होगा, अभिक्रिया के दर स्थिरांक के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे इकाई सांद्रता वाले अभिकारकों का दर स्थिरांक के बराबर होता है, बराबर होता है, ठीक है। R इसमें क्या है, दर, और K क्या है, दर स्थिरांक है, तो दोनों बराबर है। किस कंडीशन में, जब दोनों अभिकारक कैसा हो, एक मोल पर लीटर उपस्थित हो, मतलब एक एक मोल रहेगा, तो दोनों R और K एक दूसरे के क्या हो जाता है, बराबर हो जाता है। वेग दर नियम, किसी अभिक्रिया का वेग अभिकारकों के सांद्रताओं पर निर्भर करती है, जिसका मान प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता है, आधारित होता है, ठीक है। तो अगर द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम देख रहे हैं, तो हम वो संतुलित या बैलेंस इक्वेशन, रासायनिक समीकरण है, उसी के बेसिस पर बताएंगे। लेकिन जब दर नियम की बात आता है, तो यहां पर जो वैल्यू रहेगा, घात वाला जो वैल्यू, वो एक्चुअल में क्या होता है, प्रैक्टिकल वैल्यू रहता है, जो हम मेजर करते हैं। अब उसको हम फार्मूला बेस पे नहीं ला सकते। सेम कंडीशन मान के चलते हैं ए ए और स्मॉल बी कैपिटल बी, ये दोनों जो है ये किस में कन्वर्ट हो रहा है, उत्पाद में, ठीक है। तो जब हम द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम लिखेंगे, तो हमारा क्या हो जाएगा, रेट जो रहेगा उसके अकॉर्डिंग, अगर मैं बात कर रहा हूं द्रव्य अनुपाती क्रिया का नियम, अगर मैं इसके से बोल रहा हूं, तो हमारे जो रेट का फार्मूला रहेगा ये क्या हो जाएगा, के, इसके बाद ये हो जाएगा ए और ये हो जाएगा बी, ए के सामने जो पावर है वो यहां आ जाएगा, बी के सामने जो पावर है वो यहां आ जाएगा। ये है किसके अनुसार, द्रव्य अनुपाती क्रिया। लेकिन वेग या फिर हम लोग बात कर रहे हैं दर नियम, अगर ये हम लोग यूज कर रहे हैं, तो हमारा जो रेट का फार्मूला आएगा ये होता है के ए और बी। यहां पर हम एक दूसरा वैल्यू यूज कर रहे हैं, एम और एन की वैल्यू यूज कर रहे हैं, जहां m जो रहेगा ये a की सांद्रताओं का क्या है, प्रायोगिक मान होगा, और जो n होगा ये b की सांद्रताओं का क्या होगा, प्रायोगिक मान, या फिर a की मोल की संख्या होगी और ये b की मोल की संख्या, जो रिएक्शन में एक्चुअल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। मतलब हम बात कर रहे हैं कोई रिएक्शन, जैसे मैं यहां पर 10 मॉलिक्यूल यूज किया, लेकिन 10 में अगर कोई 5 ही मॉलिक्यूल पार्टिसिपेट कर रहा है या टूट रहा है, और 5 जो है वो वैसी है, वो टूटा नहीं है, तो अगर हम द्रव्य अनुपाती क्रिया लगाएंगे तो वो 10 के 10 यूज होगा।
लेकिन वेग नियम अगर लगा रहे हैं दर नियम, तो जो एक्चुअल में भाग ले रहे हैं उपस्थित से मतलब नहीं है, उपस्थित है उसमें कितना पार्टिसिपेट कर रहा है उससे मतलब है यहां पर, समझ में आए। तो हमारे पास अगर यहां पर 10 में है, 10 में से अगर कोई 5 ही टूटकर प्रोडक्ट बनाया है और 5 वहां पर वैसे ही रहा है, रखा हुआ है, तो वेग नियम में उसको हम लोग मेंशन नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये वेग या दर नियम की अगर बात करते हैं, तो एक नया डिजिट यूज कर रहे हैं, इसको हम लोग डिफाइन करते हैं, जहां एम अभिकारक ए की क्रियाशील अणुओं की संख्या और तथा एन क्या होगा अभिकारक बी की क्रियाशील अणुओं की संख्या है। तो दोनों क्लियर है। द्रव्य अनुपातिक क्रिया का नियम अगर हम बता रहे हैं तो हमको क्या वैल्यू बताना है, और दर नियम बताना है, तो द्रव्य अनुपातिक क्रिया देखेंगे तो जो इक्वेशन में नंबर रहेगा उसी के अकॉर्डिंग बनाएंगे, ठीक है। लेकिन वेग नियम रहेगा तो वहां पर एक हम देखते हैं कि एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल वहां पर टूट रहे हैं, तो ये कहां पता चलेगा, जब हम एक्चुअल में प्रैक्टिकल को देखेंगे। देखो यहां पर लिखा है प्रायोगिक तथ्यों पर आधारित होता है, लिखे हैं, तो हम उस प्रैक्टिकल जो चल रहा है या जो रिएक्शन हो रहा है उसको हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसमें एक्चुअल में कितने मॉलिक्यूल जो है वो टूट रहे हैं या बन रहे हैं, उसके बेसिस पर ये हम क्या करते हैं, मेंशन करते हैं। तो वेग नियम में हम बात करते हैं सक्रिय अणुओं की संख्या को मेंशन करते हैं, और इसमें कुल अणुओं की संख्या को जो रिएक्शन में उपस्थित है या भाग ले रहे हैं ये बोल सकते हैं, ठीक है। तो दोनों लिखा हुआ है, वेग नियम और दर नियम, तो दोनों में कंफ्यूजन तो नहीं होगा, बन जाएगा सबसे। पहले वाले में सीधे जो सामने है उसको घात लगा देना है, लेकिन दूसरे वाले में वो घात नहीं रहेगा। नीचे में एक लाइन और लिखने वाला हूं, एम तथा एन का मान जो है वो ए और बी के बराबर भी हो सकते हैं और नहीं भी हो सकते हैं। अब क्यों बराबर हो सकते हैं और क्यों नहीं हो सकते हैं, तो अगर मान के चलो मैं 10 मॉलिक्यूल ए के और 10 मॉलिक्यूल बी के यूज किया, और अगर वो 10 के 10 ही पूरी तरह से टूट कर क्या कर लिया, प्रोडक्ट बना लिया, तो उस कंडीशन में एम जो है वो ए के बराबर और एन जो है वो बी के स्मॉल बी के बराबर हो गया। लेकिन अगर मैं मान के चल रहा हूं 10-10 मॉलिक्यूल लिया और उसमें से कोई 7 मॉलिक्यूल ए के और 6 या मॉलिक्यूल मान के चलो बी के टूटे हैं, तो बाकी जो 3 है वो क्या रह गया, वहां पर शेष रहा, तो अब यहां पर m जो है वो इस a के बराबर नहीं रहेगा, ठीक है। तो यहां पर लिखेंगे नेक्स्ट नीचे लाइन में लिखेंगे m तथा n का मान स्मॉल a तथा स्मॉल b के बराबर हो सकता है और नहीं भी, ठीक है। मतलब अभिक्रिया की देखो अभिक्रिया की कोटि जो है इसको हम सरल भाषा में इस तरह से डिफाइन कर सकते हैं, किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होता है जो द्रव्य अनुपातिक क्रिया के नियम या वेग नियम में सांद्रताओं के ऊपर स्थित होता है, ठीक है। देखो अभिक्रिया की कोटि को हम लोग किस तरह से बता सकते हैं, किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होता है जो वेग दर नियम में सांद्रताओं के ऊपर स्थित होता है, स्थित होता है, ठीक है। समझ में आ रहा है समीकरण क्या लिख रहे, मतलब परिभाषा क्या लिख रहे हैं,
किसी अभिक्रिया की कोटि उन घातों के योगफल के बराबर होता है जो वेग या दर नियम में हम क्या कर रहे हैं, सांद्रताओं के ऊपर लिख रहे हैं या स्थित होता है। जैसे मान के चल रहे हैं कोई इक्वेशन है, मान के चल रहे हैं ये MA प्लस हो गया NB प्लस हो गया O, MnO, C हो गया, ठीक है। ये किस में चेंज हो रहा है, प्रोडक्ट में या फिर उत्पाद बना रहा है, ठीक है। अब अगर हम बात कर रहे हैं दर नियम की या फिर सेम कंडीशन द्रव्य अनुपातिक क्रिया के लिख रहे हैं तो रेट बराबर हमारा आ जाएगा K, यहाँ आ जाएगा A, B और C। A की घात जो है M, B की घात N, C की घात O। तो अब अगर हम बात कर रहे हैं अभिक्रिया की कोटि की, तो अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो स्मॉल N से या कोष्टक से जैसे भी बताएं, चलिए मैं हिंदी में ही लिख रहा हूँ, अभिक्रिया की कोटि। तो अभिक्रिया की जो कोटि होगा वो क्या होगा बताओ, जितने भी घात दिख रहे हैं इन सभी घातों का क्या होगा, योगफल के बराबर होगा। मतलब यहां पर हमारा अभिक्रिया की कोटि होगा M प्लस N प्लस O के क्या होगा, बराबर होगा, ठीक है। मान के चलते हैं इसी एग्जाम्पल के लिए मैं दूसरा एक एग्जाम्पल बता रहा हूं। जैसे मेरे पास मान के चल रहे हैं क्या है, H2 है और I2 है, ये दोनों मिलकर क्या बना रहा है, 2HI बना रहा है, ठीक है। अब यहां पर एक मॉलिक्यूल यहां दिख रहा है और एक मॉलिक्यूल यहां, अभी कुछ नहीं है, मतलब क्या है, एक एक मॉलिक्यूल है, यही है। तो अगर मैं इसके लिए अभिक्रिया की कोटि निकालूंगा तो क्या होगा बताओ, यहां पर अगर मैं रेट लिखूंगा R=K, यहां पर लिखूंगा H2 और यहां लिखूंगा I2, दोनों की घात 1:1 है तो ये 1:1 लिखा, ठीक। अभिक्रिया की कोटि अगर, ये तो रेट हो गया, N=2 अगर रखूंगा तो ये दोनों क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, तो 1+1 मतलब क्या हो जाएगा, 2। मतलब ये इस तरह की अभिक्रिया जो है रहेगा वो क्या होगा, द्वितीय कोटि की अभिक्रिया होगा। क्यों, क्योंकि इसके लिए कोटि कितना आ रहा है, 2 आ रहा है, ठीक है। इसी तरह से अगर मैं बात करूं एक तीसरा एग्जाम्पल की, तीसरा एग्जाम्पल में मैं मान के चल रहा हूं N2+3H2 क्या बन रहा है, NH3 बन रहा है, ठीक है। यहां पर 2 आ जाएगा और ये इक्वेशन ऐसा ही रहेगा। अब अगर मैं मान के चल रहा हूं इसके लिए रेट निकालूं तो रेट क्या हो जाएगा, K, ये हो गया N2 और ये हो गया कौन सा, H2, N में सिंगल है यहां सामने तो ये 1 हो गया और यहां पर क्या है, 3, तो इसकी पावर में क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, ठीक है। अब अगर मैं इसके लिए रेट अभिक्रिया की कोटि निकाल रहा हूं तो कोटि बराबर क्या आएगा बताओ, 1+3 मतलब क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा, समझ में आया। तो अभिक्रिया की कोटि किस तरह से निकाल रहे हैं कि जो पावर यहां पर दिख रहा है उसी पावर को हमको क्या करना है, जोड़ना है, और जोड़ने के बाद जो वैल्यू आ रहा है वही वैल्यू क्या होता है, अभिक्रिया की कोटि होता है। अभिक्रिया की कोटि का मान 0, 1, 2, 3, 4 या भिन्न, भिन्न मतलब जो बटे में अपॉन होता है ना, ये बोल रहे हैं भिन्नात्मक मान, बोल लो भिन्नात्मक मान हो सकता है, ठीक, हो सकता है। तो यहां पर हम फर्स्ट ले रहे हैं 0 कोटि की अभिक्रिया, शून्य कोटि की अभिक्रिया। देखिए शून्य कोटि की अभिक्रिया किसको बोलेंगे, वे अभिक्रिया जिसमें अभिकारकों की जो दर है या अभिकारक की जो दर है बोल सकते हैं, वो क्या है, अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर नहीं करेगी, उसे हम क्या बोलते हैं, शून्य कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे, ठीक है। तो वह अभिक्रिया जिसकी दर अभिकारकों की सांद्रताओं पर निर्भर
नहीं करता। अब देखिए उदाहरण की हम बात कर रहे हैं, कौन सा ऐसा रिएक्शन है जिसमें इसकी अभिकारक की दर पर निर्भर नहीं करेगा, तो ये है H2+Cl2 फॉर्म होगा HCl, लेकिन कंडीशन यहां पर ये रहेगा कि ये किस कंडीशन में बन रहा है, प्रकाश की उपस्थिति में Hν। एक्चुअल में जब क्या होता है, H2 और Cl2 जब आपस में मिलकर HCl का फॉर्मेशन करेंगे किस कंडीशन में, प्रकाश की उपस्थिति में, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रकाश रासायनिक अभिक्रिया। अगर इस अभिक्रिया की अगर हम बात कर रहे हैं तो यहां पर क्या होगा, अभिक्रिया की जो रेट रहेगा वो इन दोनों पे डिपेंड नहीं करेगा, आगे हम लोग पढ़ेंगे। वहां पर एक्चुअल में ये क्या करता है, आपस में टूटकर फ्री रेडिकल बनाता है। फ्री रेडिकल को हिंदी में बोलते हैं मुक्त मूलक बोलते हैं। पहले ये टूटेगा, मुक्त मूलक बनाएगा, फिर वो आपस में क्या होते जाएगा, फ्यूज होते जाएगा, जुड़ते जाएगा। तो एक्चुअल में इन दोनों पे डिपेंड नहीं करता है, वो रेडिकल पे डिपेंड करता है, इसलिए इनकी सांद्रताओं पे हम इसको डिपेंड नहीं करते हैं। तो अगर हम लोग यहां पर रेट लिखेंगे तो रेट बराबर हो जाएगा के H2 लिखें और Cl2 लिखें। अब हमारा जो कॉन्सेप्ट है वो ये बोलता है कि यहां पर हम क्या लिखें, 1 और 1 लिखें, लेकिन 1 के जगह हम लोग क्या लिखेंगे, यहां पर 0 और 0 लिखेंगे। समझ में आया? अब अगर मैं 0 0 लिखा तो किसी के भी घात में अगर 0 रहता है तो उसका वैल्यू क्या होता है, 1 होता है। इसका मतलब यहां पर R=2 क्या आ जाएगा, के आ जाएगा। ठीक है, तो शून्य कोटि की अभिक्रिया जो होती है उसमें अभिक्रिया की दर और दर स्थिरांक ये दोनों ही एक दूसरे के क्या होता है, बराबर होता है। ठीक है, अब अगर मैं बात करूं दर स्थिरांक का मात्रक, का मात्रक, तो बताओ इसमें दर स्थिरांक का मात्रक क्या होगा, के का हम बात कर रहे हैं ना, के का मात्रक क्या होगा, तो हमारा वैल्यू तो यही आ रहा है R=2 क्या है, K। R का मात्रक हम लोग पहले निकाल चुके हैं, क्या निकाल चुके हैं, क्या है, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, ये निकाले हैं और बराबर हो गया K। मतलब K का मात्रक क्या है बताओ, शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया रहेगा तो K का मात्रक क्या होगा, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड होगा। क्लियर है, ये हो गया शून्य कोटि की अभिक्रिया। इसके बाद हम लोगों को दूसरा देखना है, प्रथम कोटि की अभिक्रिया, द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की। प्रथम कोटि की अभिक्रिया, वह अभिक्रिया जिसकी दर किसी एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर करती है। अगर एक अभिकारक की सांद्रता पर निर्भर कर रही है तब इसको हम क्या बोलेंगे, प्रथम कोटि की अभिक्रिया बोलेंगे। ठीक है, जैसे उदाहरण की मैं बात करूं H2O2, इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोजन परऑक्साइड बोल रहे हैं। जब इसका क्या होता है, ब्रेकडाउन होगा, टूटेगा, तो यहां से बनता है H2O बनेगा और बनेगा ½O2 बनेगा। ½O2 इसलिए क्योंकि यहां 2 है, तो इसको ऐसा करोगे 2 × 1/2 तो दोनों कैंसिल हो गए, एक्चुअल में एक ऑक्सीजन बचेगा, यहां 2 था तो एक यहां है तो एक यहां पर भी रहेगा। लिखने का तरीका यही है, इसको ½O2 लिखते हैं। ठीक है, O बस नहीं लिख सकते क्योंकि ऑक्सीजन गैसियस फॉर्म में होता है जो कि अणु के रूप में होता है और अणु में 2 परमाणु होते हैं। ठीक है, तो ये इसको O2 के फॉर्म में लिखेंगे, तो ये इस तरह से रहता है। अब यहां पर अगर मैं बात करूं द्रव्यानुपाती क्रिया के नियम से, जैसे शून्य कोटि का लिखें सेम वैसे ही रहेगा, केवल आगे फॉलो करते जाना है। R=2 क्या हो जाएगा, के H2O2, ये ऐसा रहेगा। अब यहां पर हम 0 नहीं करेंगे, यहां पर क्या करेंगे, 1 करेंगे, तब तो ये क्या होगा, प्रथम कोटि का हुआ ना, कोटि में 1 हो गया, वहां पर शून्य था तो ये हो गया कौन सा, प्रथम कोटि की अभिक्रिया। अब अगर मैं बात करूं दर स्थिरांक का मात्रक,
तो दर स्थिरांक के मात्रक यहाँ पर, दर स्थिरांक मतलब k के लिए बोल रहे हैं ना, तो इसका मात्रक हम लोग कैसे काउंट करेंगे, देखिए r बराबर हम लोग फिर से लिख रहे हैं KH2O। r का मात्रक क्या होता है, मोल प्रति लीटर, या फिर हम लोग बोल रहे हैं मोल लीटर इनवर्स सेकेंड इनवर्स, इसको हम लोग कल देख चुके हैं। अब k को हम लोगों को ज्ञात करना है H2O, यहाँ पर ये अभिकारक की सांद्रता दिख रहा है क्या बड़े कोष्टक में, सांद्रता को हम लोग किस में डिफाइन करते हैं, मोल प्रति लीटर में, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, मोल लीटर इनवर्स। अब दोनों तरफ मोल लीटर इनवर्स दोनों क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर बचा है क्या, सेकेंड इनवर्स बराबर क्या बचा, के, इस तरह से बचा। मतलब शून्य कोटि की अगर अभिक्रिया रहा तो दर स्थिरांक का मात्रक क्या था, मोल प्रति लीटर प्रति सेकेंड, प्रथम कोटि की अभिक्रिया है तो दर स्थिरांक का मात्रक क्या रहेगा, सेकेंड इनवर्स रहेगा। इस टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, ठीक है। कल हम लोग देखेंगे द्वितीय कोटि की और तृतीय कोटि की, उसके आगे फिर हम लोग इसमें जो वेग स्थिरांक वगैरह का व्यंजक है वो आगे कंटिन्यू करेंगे, ठीक है।